निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या UPI से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लक्ष्मी यक्षिणी की चर्चा करने जा रहे हैं। लक्ष्मी यक्षिणी यानी माता लक्ष्मी का नाम तो हमने सुना है, लेकिन आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है माता लक्ष्मी यक्षिणी। यक्षिणी ऐसा एक वर्ग माना गया, जैसे देवी देवता यक्ष, मानव, किन्नर, अलग अलग प्रजाति मानी गई है, अलग अलग वर्ग माने गए हैं। इसी तरह से देवी देवताओं के अलावा जो यक्ष किन्नर हैं, यक्ष किन्नर इस तरीके की जो वर्ग माना गया है ये बहुत प्रभावशाली होता है। इसमें से अगर यक्ष की बात करें तो उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा माना जाता है। अगर भौतिक क्षेत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा यक्ष की पूजा की जाती है। आप भगवान कुबेर की पूजा करते हैं, भगवान को यक्षराज कहते हैं, भगवान कुबेर यक्षराज माने जाते हैं, यक्षों के राजा। तो जो यक्षिणी होती हैं वो वही मानी जाती हैं, उनके परिवार की जो फीमेल पावर मानी जाती है, महिला शक्ति जिसको हम कहते हैं, देवी शक्ति मानी जाती हैं, ये बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। भौतिक सुख का आशीर्वाद इनके द्वारा आसानी से मिलता है। वो भी जब माता लक्ष्मी यक्षिणी की चर्चा करते हैं तो बहुत पावरफुल बात हो जाती है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या चाहिए कि रहने के लिए, गृहस्थ जीवन में तरक्की करने के लिए, एक सामान्य गृहस्थ इंसान को जीवन में क्या चाहिए, वो सबसे ये चाहता है कि का अगर कोई मनपसंद साथी मिल जाए तो उसका जीवन सुखमय हो जाए। तो ऐसे लोगों को माता लक्ष्मी साधना करना चाहिए। शादी के बाद का जीवन क्या होता है, एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसको ऐसी पत्नी मिले जो अच्छे स्वभाव की हो, समझने वाली हो, सौभाग्यवती हो, अच्छे गुणों वाली हो। कहने का मतलब यह है कि इनके लिए, जैसे कि अगर बात बात पे विवाद हो रहा है, पति पत्नी में विवाद हो रहा है, तो पूरा क्लेश मुक्त जीवन हो जाता है। तो हर आदमी का सपना यही होता है कि अगर उसे पत्नी मिले या उसे पति मिले, ऐसा मिले जो उसके स्वभाव को समझे, एक दूसरे के सुख दुख को बांट सके। तो माता लक्ष्मी साधना आपको करनी चाहिए। एक व्यक्ति ये सपना देखता है उसको एक गुणवान संतान की प्राप्ति हो, तो उसे माता लक्ष्मी यक्षिणी की साधना करनी चाहिए। एक व्यक्ति ये सपना देखता है कि नौकरी में तरक्की मिले, आगे दिन ब दिन बढ़ता रहे, उसका स्वभाव से उसके बॉस, उसके अधिकारी के आसपास के लोग, उसके साथी हमेशा खुश रहे, तो माता लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए, माता लक्ष्मी यक्षिणी की साधना करनी चाहिए। ये सोचता है कि वो बिजनेस में, व्यवसाय में, दुकान धंधे में बढ़ोतरी चाहता है, कि बहुत सी अड़चनें आती हैं, उनका उनसे सामना करना होता है, तो वो चाहता है सभी प्रकार के विघ्न का रक्षा करते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाए। तो ऐसे लोगों को माता लक्ष्मी यक्षिणी की साधना करनी चाहिए, तो काम में आता है ये साधना। इसके अलावा शत्रु परेशान कर रहे हैं, कोई बीमारी परेशान कर रही हैं, तो आपको माता लक्ष्मी यक्षिणी के शरण में जाना चाहिए। इनकी खास बात यही है, देवी देवता की तुलना में इनकी शक्ति जल्दी प्राप्त होती है, इनका आशीर्वाद जल्दी हमें प्राप्त होता है, इसलिए लोग यक्षिणी की साधना करते हैं, बेहिसाब करते हैं। तो ये इनकी खास बात है। तो इनकी साधना करने से हमें हर तरह के सर्वगुण संपन्न व्यक्ति होता है। कहते हैं ना, व्यवसाय में सफलता मिलती है, नौकरी में सफलता मिलती है, पारिवारिक जीवन सुखमय होता है, और अगर वो एक मनपसंद पार्टनर की तलाश में है तो उसमें उसकी सिद्धि मिलती है, हर तरीके से उसको लाभ मिलता है। बीमारियाँ, समस्याएँ, अड़चने, उनका सामना करते हुए कि जो उपासक होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज़ी से औरों की तुलना में ज़्यादा रहती है, का भी फायदा मिलता है। हर तरीके से देखा जाए तो लक्ष्मी यक्षिणी भौतिक जीवन में आने वाली जितनी भी प्रकार की जो अड़चने होती हैं उसके समाधान के लिए अच्छा माना जाता है। तो इनके समाधान के लिए क्या करें, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी शांत कमरे में बैठ जाएं, जमीन पर नहीं बैठ सकते पर या सोफे पर या शांत, याद रखें बिस्तर पर ना बैठें, सोफे पर या कुर्सी पर आप बैठ सकते हैं, बिस्तर पर ना बैठें। उसके बाद सामने लाल कपड़ा बिछा लें,
और हल्दी का टुकड़ा रख लें। सेम तरीके से मुद्रा लगा लें। मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें, जितनी देर तक हो सके। सांस को रोकें, छोड़ें, फिर खींचें, छोड़ें, 10 बार प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के यही मुद्रा लगा के आपको खास प्रकार का मंत्र ओम श्रीम क्रीम लक्ष्मी यक्षिणी सिद्धिम देहि देहि फट, ओम ऐं श्रीम क्रीम लक्ष्मी यक्षिणी सिद्धिम देहि देहि फट, ओम ऐं श्रीम क्रीम लक्ष्मी यक्षिणी सिद्धिम देहि देहि फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ऐं श्रीम क्रीम लक्ष्मी यक्षिणी सिद्धिम देहि देहि फट, ओम ऐं श्रीम क्रीम लक्ष्मी यक्षिणी सिद्धिम देहि देहि फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज़ आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। याद रखें, मैं आपको किसी माला की जरूरत, बस आप ये मुद्रा लगा कर रखें और आधा घंटा एक घंटा जितना भी बिना माला गिने बिना मंत्र गिने बस आधा घंटा तक मंत्र का जाप करते रहें और 11 दिन तक मंत्र का जाप करना है। 11 दिन तक मंत्र का जाप करना है। बस 12वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दो। इसको किसी भी शनिवार, किसी भी रवि पुष्य सत्र, शुक्रवार, किसी भी ग्रहण, किसी भी अमावस्या से ये प्रयोग 9 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, 11 दिन के लिए किया जा सकता है। बहुत काम में आता है, आपको इसमें भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेन लाभ अगर लेना है तो ये मंत्र का 125,000 मंत्र का जाप करना चाहिए। 125,000 मंत्र का जाप करना आसान नहीं होता, इसमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं। तो एक आम आदमी जो होता है 90% उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है या किसी भी कारण से उसकी साधना बीच में छूट जाती है। इस संभावना करीब करीब 99% होती है साधना खंडित हो जाए। तो इसके लिए हम लोग ये साधना शिविर वज्रेश्वरी में स्वयं ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो 2 दिन की साधना होगी और 2 दिन में 125,000 मंत्र का जाप होगा। जी हाँ, 2 दिन में 125,000 मंत्र का जाप होगा, जो कि आप खुद करेंगे तो इसमें 2 से 3 महीने लगेगा। जो कि हम लोग करवा रहे हैं वो तो 2 दिन में 125,000 मंत्र का जाप होगा। 125,000 मंत्र का जाप करने का मतलब है बहुत फायदा, वो भी मिनिमम 125,000 मंत्र। हो सकता है 300,000, हो सकता है 400,000, हो सकता है 500,000 मंत्र का जाप हो जाए, लेकिन मिनिमम 125,000 मंत्र का जाप होना ही चाहिए अगर आपको अच्छी तरीके से लाभ लेना है। तो ये हम लोग वज्रेश्वरी में करवा रहे हैं। उसमें आप अगर भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पर से फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ से आप फिजिकली अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पर आकर प्रत्यक्ष साधना में भाग लेकर आप ये साधना कर सकते हैं। और दूसरा, आप किसी कारण से भाग नहीं ले सकते तो ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। फिजिकली आएंगे तो याद रखें आपको सिर्फ 4 घंटा सोने मिलता है और उसमें दिन रात साधना करनी पड़ती है। अगर आप इतना एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं तो आपका स्वागत है, तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। वैसे दूसरी बात ये होती है, आप साधना में भाग लेने के लिए जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपकी कुंडली देखी जाती है। कुंडली देखने के बाद हाँ या ना में आपको जवाब दिया जाता है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सबको एडमिशन नहीं दिया जाता। तो फिर चाहे आप ऑनलाइन भी करना चाहें तो भी आपकी कुंडली देखी जाती है, और फिजिकल रूप से आकर साधना में भाग लेना चाहें तो भी आपकी कुंडली देखी जाती है। कुंडली में अगर ये कन्फर्म हो गया हम आपको एडमिशन नहीं तो नहीं दे पाते। तो कहने का मतलब इस तरह की मानसिक स्थिति आपकी होनी चाहिए, लेकिन ये पक्की बात है आप 11 दिन का करें उससे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आप अच्छी तरीके से करना चाहते हैं 125,000 का मिनिमम मंत्र होना चाहिए, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। बहुत लाभकारक मिलता है, बहुत लाभकारक होता है। इसका मतलब हम एक कहते ना, कल्पना नहीं कर सकते और ना इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी से। तो इसका फ़ायदा बहुत मिलता है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। अगर मेहनत करने को तैयार है तो ये 2 दिन की साधना है, आप उसके लिए भाग ले सकते हैं। और बस ये आप साधना करें और अपने जीवन का फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप मदद करें। धन्यवाद।